किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। अब इसके बाद न तुम अपने हाथ ज्यादा चलाने की कोशिश करोगे और ना ही उन्हें ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे। बढ़ाओगे तो हर वक्त हर जगह मैं उन्हें काट के रख दूंगा, कुचल के रख दूंगा। इसे कोई नहीं छुएगा, ये मेरा। खा लिया। इस थाली पे तुम्हारा। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मुकदम साले, ले अपने भाड़े के टट्टुओं को, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो समझे हो। ये अमिताभ बच्चन है, दिल वालों का प्यारा, यारों का दुलारा, जज्बात का सैलाब, एक्शन का तूफान। अमिताभ बच्चन जिसकी काम के लिए लगन उसे एक नहीं कई बार खतरों के करीब ले गई और वो हर बार विजय पाकर लौट आया। रहेंगे बहारे दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। लेकिन एक रोज अमिताभ की तकदीर जाने कहा थी 26 जुलाई सन 1982 की शाम बेंगलोर शहर में एक जबरदस्त एक्शन भरे सीन की शूटिंग करते हुए अमिताभ बच्चन बुरी तरह घायल हो गया। जय तू ठीक है ना? एक लोहे की मेज का कोना अमिताभ के पेट में जा धंसा था। सुना गया है कि उसी वक्त अगर ऑपरेशन हो जाता तो तकलीफ ज्यादा न फैलती, लेकिन ऑपरेशन टलता गया और बात बढ़ती चली गई, यहां तक कि अमिताभ मौत के दरवाजे तक पहुंच गया। उसके बाद अमिताभ बच्चन बंबई के एक बहुत बड़े अस्पताल में एक नहीं कई ऑपरेशन, सांस की तकलीफ, गुर्दे, जिगर और आंतों की हालत बेहद खराब, बचने की कोई उम्मीद नहीं, करोड़ों चाहने वाले परेशान। अस्पताल के आसपास हफ्तों तक अमिताभ के दोस्तों और कदरदानों का हुजूम, सबकी आंखों में आंसू, सबके लबों पर यह दुआ कि काश अमिताभ बच जाए। हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ। और फिर उम्मीद की एक किरण। तारीख 9 अगस्त से अमिताभ की हालत सुधरने लगी। मौत से लड़ते हुए अमिताभ बच्चन को जिंदगी ने सहारा दिया और अमिताभ बच गया। वक्त की बिसात पे किस्मत ने जो मोहरे बिछाए थे जेलर साहब, उनका रुख पलट गया है। जिंदा हूं मैं तेरे लिए, जीवन तेरा है, हो मेरा है जो सब है तेरा,
नजर आती है। और बहनों और भाइयों, अमिताभ बच्चन के इसी पुनर्जन्म की खुशी में, उसके दोबारा तंदुरुस्ती की राह पर चल पड़ने की खुशी में, आज हम उनके चाहने वालों की तरफ से जनता को ये रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं। कुछ खास फिल्मों से चुने हुए साउंड ट्रैक के आधार पर तैयार किया हुआ ये रिकॉर्ड जनता के चहेते अदाकार अमिताभ बच्चन को अनेक गंगा जमनी रंगों में आपके सामने ले आएगा। फांसी के जिस तख्ते से आप मुझे डरा रहे हैं जेलर साहब, वो मैंने खुद चुना है। मेरी मौत का फैसला तो जज ने सिर्फ लिखा है, लेकिन उस फैसले पे जिसने मोहर लगाई है, मैं अब भी उसे भगवान की तरह पूछता हूं। आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा है जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा है। पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक जंजीरें, चढ़वा दीजिए जमीन से लेकर आसमान तक लोहे की दीवारें। कालिया हर दीवार फांद के दिखा देगा जेलर साहब, हर जंजीर तोड़कर दिखा देगा, समझे? ये अमिताभ का वो रूप है जिसकी बुनियाद इससे बहुत पहले रखी गई थी। जंजीर, नमक हराम, दीवार, त्रिशूल, काला पत्थर, शोले, ये वो फिल्में थीं जिन्होंने अमिताभ को जुल्म से लड़ने वाले और समाज को ललकारने वाले एंग्री यंग मैन का रूप दिया। लेकिन अमिताभ बहुरंगी कलाकार है। अगर एक्शन के मैदान में ये भूचाल बन के आता है तो कॉमेडी के सीन्स भी ये इतने मजे में कर लेता है कि देखने वाले बस खिल उठते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। रियली? राइट राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ। Such extenuating circumstances coerce me to preclude you from such extravagance. What? मौसी, आप वीरू को नहीं जानती, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है। कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा। तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता? नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा। हार जाता है? हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ। हैं? तो क्या जुआरी है? छी 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 मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना
फिर अच्छे बुरे का कहां होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है। ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी। हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है? तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ। अच्छा तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं? बस मौसी खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे। अच्छा तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुमारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीर।